प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भवा। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। पिताश्री आपने मुझे याद किया। हाँ हनुमान, हमने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। आज्ञा दीजिए पिताश्री। हनुमान, गुरुओं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, देवताओं से वरदान प्राप्त करके, तुमने हर प्रकार से राजा बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। पिताश्री, मुझे जो कुछ भी मिला है आपके आशीर्वाद से ही मिला है। आशीर्वाद के बाद हम तुम्हें आदेश देना चाहते हैं। हमें विश्वास है तुम हमारी इच्छा पूर्ण करोगे। माता पिता की इच्छा पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है पिताश्री। आप आज्ञा दीजिए। हम चाहते हैं तुम सुमेरु राज्य का शासन संभाल लो। हम तुम्हें सुमेरु के राज सिंहासन पर एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। नहीं नहीं पिताश्री, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तुम सुमेरु के राजकुमार और युवराज हो। माते, राजकुमार और युवराज होना संयोग की बात है, परंतु राज सिंहासन पर बैठना मेरे लिए उचित नहीं है। माते, ये क्या कह रहे हो पुत्र? युवराज का राजा बनना ही तो न्यायसंगत और उचित है। अब हम इस राजकाज से मुक्त होना चाहते हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं पिताश्री, एक सेवक को राजा बनने के लिए विवश ना कीजिए। मैंने वानर राज सुग्रीव को वचन दिया है कि मैं आजीवन उनका सचिव और सेवक बन के रहूंगा। परंतु ये वचन देने से पहले क्या तुमने अपने पिता से पूछा था? अपने पिता से मिले कर्तव्य का निर्वाह करने के बदले तुम किसी को इस तरह का वचन कैसे दे सकते थे? मैं विवश था पिताश्री, मैं सूर्यदेव को दिए हुए वचन से बंधा था। तुमने सूर्यदेव को क्या वचन दिया था? माता, मैंने गुरुदेव सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा में यह वचन दिया था कि मैं आजीवन उनके पुत्र सुग्रीव के साथ रहूंगा, संकट में सदा उनकी रक्षा करूंगा। परंतु ये वचन तो तुम सुमेरु राज के राजा होकर भी निभा सकते थे। क्षमा करे पिताश्री, यह संभव नहीं है। और फिर हनुमान ने तो दूसरों की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है, किसी पर शासन करने के लिए नहीं। पिताश्री, सुमेरु के राजा आप ही बने रहेंगे, परंतु एक पुत्र के रूप में आप जब भी चाहेंगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। हनुमान, एक और तुम जैसे महान पुत्र को प्राप्त करने का गौरव और सुख, और दूसरी ओर तुम्हारे वियोग का दुख। तूने तो सचमुच हमें उलझन में डाल दिया है पुत्र, उलझन में डाल दिया है। माता, अपने स्वामी सुग्रीव के पास मेरा रहना अति आवश्यक है। मैं विवश हूं माता, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता। मेरे लाल। प्रणाम पिता। जीते रहो। जाओ पुत्र, अपने कर्तव्य और वचन का पालन करो। भगवान शिव सदा तुम्हारी रक्षा करें। I don't know.